को ध्यान रख लेना, हिंदुस्तान में एक जो सबसे बड़ी विकृति क्या है कि सरकार कोई नियम बना दे या कोई गाइडलाइन जारी हो, हमारी एक मानसिकता ये रहती है, एक मैंने देखा एक जनरल मानसिकता ये रहती है कि हम इसमें से कैसे बदमाशी गड़बड़ी चीटिंग कर सकते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि इस गाइडलाइन से भी बेहतर हम कुछ कर सकते हैं क्या, हमने ये सोचा है। पतंजलि यदि आज खड़ा है उसका एक ही कारण है, मेरे पास ISO के ऑडिट के लिए आते हैं, कहते जी ये आपको पूरा करना है। मैं कहता हूँ कि इससे भी और बेहतर हम क्यों नहीं कर सकते, मेरे पास GMP के लिए ऑडिट के लिए आते हैं, मैं कहता हूँ इससे बेहतर क्यों नहीं हो सकता। अभी हमारे पास NABH के लिए ऑडिट के लिए आए, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में हिंदुस्तान में मुश्किल से 15-20 हॉस्पिटल हैं जिनको NABH मिला हुआ एक्रेडिटेशन। मैंने उनको बैठा करके बोला भाई साहब तुम्हारे नियम में ये छूटा हुआ है, ये मेरे पास एडवांस है, तुम ये और जोड़ लो। वो मेरी तरफ देख रहे हैं क्योंकि लोग तो सोचते हैं उसमें से भी बचे, और एक आदमी ऐसा कि आगे से बढ़कर के कह रहे हैं कि तुम इसको और जोड़ लो। अभी NABL के लिए हमारे पास है, हमारे पास 3 लैब है रिसर्च लैब जिनमें NABL एक्रेडिटेशन है और चौथा अभी मेरे पास चल रहा है। हम उनको कहते हैं कि तुम अपने लैब में ये चीजें क्यों नहीं जोड़ते हो, ये जोड़ने से और बढ़िया होता है। वो एक व्यवस्था है, वो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो ऐसा नहीं कि वही अंत है। और मजेदार बात तो ये भी है कि दुनिया के जितने भी रिसर्च के प्रोटोकॉल हैं, रिसर्च के पैरामीटर्स हैं, दूसरी चीजें सारे वो अंग्रेज बनाते हैं उन देश में। भाई हमारे देश की हवा पानी वायु हमारी प्रकृति, प्रकृति के अनुसार हम अपने कुछ क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी मानसिकता के अंदर जो गुलामियत की जो जड़ें हैं ना वो इतनी गहरी हैं कि कभी हमको लगता ही नहीं। सारे जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, जितने भी पैरामीटर्स हैं, आप देखेंगे मैक्सिमम वो फॉरेन से हम लोगों ने इम्पोर्ट की हुई है। तो हम क्यों नहीं कर सकते, आपके पास वही बच्चा वही विद्यार्थी जब इस हिंदुस्तान में होता है वो कुछ करने के लिए हाथ पैर मार रहा होता है और बाहर चला जाता है तो वही किसी कंपनी को लीड कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि हम यहां समझौता करते हैं, वहां संघर्ष करते हैं। यही संघर्ष हिंदुस्तान में करें तो वो सर्जन हम हिंदुस्तान में भी कर सकते हैं। हम क्यों नहीं कर सकते? अभी मैंने FCO की बात करी, उन्होंने पैरामीटर्स बनाए, मैंने देखा कि कंपोस्ट के अंदर मिनिमम इतना कार्बन हो, इतना ये हो। मैंने कहा इससे बेहतरीन क्यों नहीं हो सकता। मैं जुटा रहा और मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, हालांकि मैंने पेटेंट के लिए भी डाल दिया, 4 पेटेंट मेरे आने वाले हैं। मैंने क्या किया, मैंने देखा कि कंपोस्ट में अभी कुछ लोगों ने वो नैनो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट, नैनो कंपाउंड्स को लेकर के भी कुछ काम कर रहे हैं। मैंने खाद में से देखा कि कितने वो नैनो कंपाउंड्स हैं, जैसे जिंक है, वो नेचुरली नैनो कंपाउंड्स में जिंक का जल्दी से नैनो बन जाता है, पार्टिकल साइज बन जाते हैं। तो जिंक जो है वो कंपोस्ट के अंदर कई सारे कंपाउंड में जिंक है, इसी तरह से जो सिल्वर वाला कंटेंट है वो भी बन जाता है। तो इस तरह से हमने ढूंढ ढंडा करके वो 4-5 कंपाउंड को मैंने लिया, लेकर के मैंने एक मशीन मंगाई। देखो छोटी सी बात, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ कहीं, मैं बहुत साइंस की बात करूँ तो तुम भय में मत आ जाना, ये लोग हैं इनको ही रखने देना, साइंटिस्ट मैं तो जैसा हूँ वैसे ठीक हूँ। पर मेरे साइंटिस्टों को कम समझ में आती कई बार, क्योंकि जो डॉक्टर होता है ना वो मौत से जल्दी डरता है, कि उसको पता है कि आज ये बीमारी हो गई तो कल इतना बिगड़ेगा फिर परसों। अच्छा जो डॉक्टर नहीं वो डरता नहीं, वो लगता है चलो फोड़ा है चीरफाड़ लगा देगा ठीक हो जाएगा जो भी है। तो हम तो निडरता से काम करते हैं। तो जो मैं लगा रहा उसके बाद मैंने देखा कि वो नैनो पार्टिकल जो है हम लोगों नैनो कंपाउंड को उसके अंदर कंपोस्ट के अंदर हम डाल सकते हैं, वो डाल दिया, वो भी बन गया। बनने के बाद फिर मुझे लगा कि हम लोग जो बायो कल्चर है, जितने भी कल्चर बना बना करके डाल रहे हैं आजकल नया, वो भी एक तरह से देखिए कई बार साइंस भी फैशन हो जाता है, ये ध्यान रख लेना। साइंस को साइंस रहने दो, जैसे कल्चर को हम अंधविश्वास कहते हैं ना, मैं साइंस को भी कई बार फैशन कहता हूं। हमको एक मर्यादा में रहनी चाहिए, जहां भी जिसकी मर्यादाएं हैं। तो मैंने देखा कि बायो कल्चर का जो है अलग अलग चीजें NPK बना दी हमने, ये बना दी वो बना दी, शीशी बोतलें बना बना कर दे खेतों में डाल रहे, तो कहीं वो भी बर्बाद था। मैंने कहा ये जितना भी हम कल्चर डाल रहे हैं क्या हम इसी कंपोस्ट के अंदर नहीं डाल सकते। फिर मैंने उसके ऊपर और किया काम। मैं आपकी जानकारी के लिए इसलिए बात कह रहा हूं कि थोड़े थोड़े अंश में बहुत लोगों ने काम किया, पर पूरी तरह से जो हुआ तो मेरे पास आज उसके अंदर वो कंपोस्ट भी हो गया, सारे जितने भी कंपोस्ट के हिसाब से जो चीज चाहिए उसके अंदर मिनरल्स भी आ गए, जितने मिनरल चाहिए उसमें नैनो मैंने पार्टिकल कंपाउंड सब डाल दिए। तीसरा बायो कल्चर भी डाल दिया, जो NPK थे लोगों ने कहा कि ये तो मर जाएंगे, इसके ऊपर तो टीकेगा नहीं, उसका नहीं टीकेगा, मैंने लगा दी नहीं ऐसा करो। होता क्या था कि हम लोगों ने इसको ग्रेनुअल शेप में भी ले आए, हम जो प्रोम वगैरह बनता था FCO के हिसाब से।
तो वो हमने उन्होंने कहा जी ये तो मर जाता है जी, वो कल्चर हम डाल देते हैं वो मर जाता है, क्योंकि वो क्या करते थे पहले कल्चर मिक्स कर दिया, मिक्स कर करके फिर उसको ले जा करके वो हीटिंग में ग्रेन्यूल्स बना दिया, तो मरना ही था। तो मैंने कहा इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, मैं कहा इसको बाद में कोटिंग कर दो। वो कोटिंग करने के लिए बोला जी वो लिक्विड है कोटिंग में, वो फिर गीला हो जाता है। मैंने कहा उसको आधा गीला करो, तो मैंने कहा नहीं मरेगा, वो जिंदा रह गया। छः छः महीने तक नहीं मरता उसका जो 7:10 जो आपका रहता है ना, 8, 9, 10 जो भी आपकी भाषा में, उससे ज़्यादा ही है, नॉर्मल 7 रहना चाहिए, वो 8, 9 रहता है, हो गया काम। ये मैं इसको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे हम काम कर सकते हैं। ये आप लोग, ये मैंने कहा ना, आप अपनी ऊर्जा से पूरी ताकत से आप सोचेंगे तो आपको रास्ता निकल करके आता है। इसी तरह से हम लोगों ने हिंदुस्तान में, हम लोग वो हैं, हालांकि इसका ग्रीन बायो से डायरेक्ट नहीं लिंक है, फोर्टिफिकेशन का काम, क्योंकि हम लोगों ने फूड पर काम शुरू किया, पतंजलि वो संस्था है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, क्योंकि हम हिंदुस्तान को बाजार नहीं हम परिवार समझते हैं, इसीलिए हम रात दिन लग करके पागलों की तरह काम करते हैं। उन MNCs के लिए हिंदुस्तान उनके लिए बाजार है, जब तक उनके पॉकेट में आ रहे तब तक आपके साथ हैं, नहीं आएगा अपने ताला बंद करके चले जाएंगे। हम तो भाई मिट्टी में यहीं से उठे हैं और यहीं दफन हो जाएंगे, तब तक कहीं हम हिलने वाले हैं ही नहीं, तो इसलिए हम लगे रहते हैं। तो हम लोग उसमें हमने देखा कि जो न्यूट्रिएंट्स हमको चाहिए नहीं है, कई तत्वों में नहीं है, कई चीज़ों में मिलाया जा सकता है, तो हम लोगों ने फोर्टिफिकेशन का काम सबसे पहले मैंने शुरू किया, ऑयल के अंदर, नमक के अंदर, हम लोगों ने आटा के अंदर, तो 5-6 कर दिया। पर मेरे दिमाग में एक बात फिर आई, मैंने कहा ये फोर्टिफिकेशन का लाभ किसको मिलेगा, जो खाएगा, जो पतंजलि का आटा खाएगा उसको मिलेगा अतिरिक्त आयरन जिंक जो भी देंगे हम, पतंजलि का नमक खाएगा तो हमने आयोडीन के साथ में हमने आयरन डाल दिया, इसी तरह से हमने ऑयल में फोलिक एसिड वगैरह जो होते हैं वो डाल दिया हमने। परंतु मैंने कहा किसान के लिए क्या, जो घर में उगाता है अनाज वो बाजार से नहीं खरीदता है, तो उसके लिए भी कुछ होना चाहिए। फिर मैं हर रोज साइंस पढ़ता हूँ, मैं तो विद्यार्थी हूँ छोटा सा, फिर मैं ढूंढते ढूंढाते पहुँचा बायो फोर्टिफिकेशन के ऊपर, कि मुझे लगा कि बायो फोर्टिफिकेशन से काम हो सकता है। फिर आपकी जो संस्था एग्रीकल्चर रिसर्च ICR वालों को जब महापात्रा जी को पकड़ा, अभी संजय जी हैं सेक्रेटरी, उनको भी जा, राधे मोहन जी के पास भी जा करके लटक, ये प्रभु की कृपा है, सब जानते हैं, ठीक है, सबको हम कहते हैं तो उनको लगता है कि आचार्य जी सही कह रहे हैं, सबके पास जाकर हल्ला मचाया मैं। तो अब इसके ऊपर हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो बायो फोर्टिफिकेशन में पता चले कि ICR ने कुछ काम किया, करीबन 10-12 प्रोडक्ट उन्होंने तैयार भी किए, जैसे राइस है, मेज है, मक्का है, बाजरा है, धान है, कुछ कुछ के ऊपर उन्होंने काम भी किया है। परंतु काम होने के बाद जब मैंने महापात्र जी से पूछा, ICR का जो अभी DG है, उनसे पूछा मैंने कि भाई साहब ये बताओ कि ये इसका आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं, ऐसे कोई सिस्टम नहीं है कि हम इसको आगे बढ़ा सकें। तो मैंने कहा ये काम हमको दे दो ना, फिर ये हम कर सकते हैं, क्योंकि हम सबको देखिए, हर व्यक्ति की अपनी कमजोरी भी हो सकती है तो अपना सामर्थ्य भी हो सकता है। हमको यदि अपनी कमजोरी को जान करके बचे, कमजोरी दूर नहीं कर सकते तो कमजोरी से बचो, सामर्थ्य यदि जान जाओ तो सामर्थ्य के लिए पूरी ताकत लगा करके उससे आगे बढ़ने का प्रयास करो, जिंदगी में तुमको कोई हरा नहीं सकता। तो हमने कहा कि जो हमारा सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के हिसाब से हम इस काम को कर सकते हैं। तो इस बार हम लोगों ने बहुत सारे जो बायो फोर्टिफाइड सीड को हम लोगों ने वो कल्टीवेशन का प्रयास किया, मैंने अभी कई 100 एकड़ जमीनों में वो बीज लगा दी है। अगली बार से हम लोग बायो फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर देंगे, जिससे कि हम किसानों को डायरेक्ट, और ये शब्द भी मैंने ढूंढा कि मैंने कहा बायो फोर्टिफाइड सीड तो ठीक है, पर इसमें भी यदि हम किसी ने केमिकल वाली प्रक्रिया शुरू कर दी तो फिर मैंने कहा वही दुर्दशा हो जाएगी। मैं एक सुंदर से आदमी को धोती पहन के तो थोड़ा अच्छा ही लगता है, पर उसको यदि उठपटांग कोई कपड़े पहना दो तो फिर वो गड़बड़ लगेगा ना। तो हमने कहा कि यह ऑर्गेनिक फोर्टिफाइड सीड, ये कॉन्सेप्ट मैंने इजाद किया, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में, और हमने शुरू भी कर दिया। अभी तक ऑर्गेनिक बायो फोर्टिफाइड सीड्स की कोई कॉन्सेप्ट, ये सब बैठे हैं क्षमा करिएगा यदि हो तो, ऐसे है नहीं, ये कॉन्सेप्ट की उत्पत्ति पतंजलि से हुई है, और हम लोगों ने अभी इस साल कई तरह के क्रॉप्स के बहुत सारे सीड हमने पैदा कर दिए हैं। ये आप बच्चों आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि हर क्षेत्र में इतनी संभावनाएं हैं, इतना काम है, हम कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये जो आप लोगों का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता है,
प्रोग्राम के अंदर में एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर छोटे छोटे दो चार लोगों ने स्किल डेवलपमेंट में, आपको पता है कि मारामारी रहती कि हम भी सेंटर खोलेंगे, हमको भी दे दो, हमको भी दे दो, पर एक ऐसा सेक्टर है जहां कोई मांगता ही नहीं है, वो है आपका ऑर्गेनिक जो फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो उसमें ऑर्गेनिक फार्मर ट्रेनिंग के लिए जो स्किल के लिए, और विचित्र थी, मैं फिर वह सरकार वाली बात आऊंगा, उसमें लिख रखा था कि जो फार्मर ट्रेनर हो, जो इसको ट्रेनिंग देंगे, वो साइंस साइड का 12 पास होना जरूरी है। मैंने कहा भाई साहब ये बताओ, ये साइंस साइड से 12वीं पढ़ करके वो ग्रेजुएशन नहीं करेगा, ऐसे विद्यार्थी कितने हिंदुस्तान में पहले थे ढूंढो। तो साइंस से ग्रेजुएशन कर लिया तो खेती करनी थी, तो बेचारा वो क्यों ग्रेजुएशन करता। हमारे क्या कि क्या हो जाता है, देखो हमारे जो अंग्रेज कई बीमारियां लगा करके चले गए, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, ठीक है, इतिहास से वर्तमान बनता है, कई इतिहास में हमने गलतियां करी तो उसका वर्तमान हमारा खराब है, कुछ इतिहास में हमने अच्छा करा तो हमारा वर्तमान अच्छा है। हमारा एक गरीब परिवार का बच्चा मान लीजिए परिश्रम करके IAS बन जाता, क्षमा करिएगा हमारे प्रशासनिक अधिकारी यहां है, जब नए नए लड़के लड़कियां मेरे पास बहुत सारे आते हैं, क्योंकि मसूरी में ट्रेनिंग सेंटर है, आचार्य जी हम ऐसे ऑनेस्ट बनेंगे, हम यूं बनेंगे, हम कोई समझौता नहीं करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं उनको पूरे उत्साहित करके भेजता हूं। वही जब 8-10 साल के बाद मिलते हैं तो मैंने कहा भाई साहब कैसा चल रहा है, कह रहे आचार्य जी बस सोचा था बस हमने, जब वो बदल नहीं पाते तो वैसा हो जाते हैं फिर वो, क्योंकि हम लोगों के कुछ चीजें वहां पर बदल है, कुछ अभी भी है उत्तराखंड में छोटी छोटी चीजें, एक हमारा हमारे यहाँ जैसे हमारा अभी हरिद्वार का DM है हमारे रावत जी दीपक, कुछ नहीं तो जी करे तो खेत में जाकर घास काट लेगा भाई, गन्ने कटा के आ जाएगा, अगले दिन पूरे अखबार में होता है, जी करेगा स्कूल में जाएगा तो बच्चों को पढ़ा करके आ जाएगा। ये है कि हम पब्लिक से जुड़ रहे हैं, यानी कि हम कहीं भी हैं, कितने भी बड़े साइंटिस्ट हैं, कितने भी बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, कितने बड़े लीडर हैं, हमारी जो रूटें हैं वो वहां से हैं। यदि ये फीलिंग हम जनता को दे सकें, जनता के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी रह सकें, तो उससे क्या कि समाज का जो विभेद है वो खत्म होने लगता है। ये एक उदाहरण की मैं बात कर रहा हूं। तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा परिश्रम करके उस चीज के लिए हमको हमेशा सोचने की आवश्यकता है। तो यदि हम उस तरह से सोच करके आगे बढ़ेंगे, अभी गांव में, क्षेत्रों में, घरों में, सब जगह आप देखेंगे कि पशु पालने की प्रवृत्ति बहुत कम हो रही है, कि कहाँ हम लोग बायो कंपोस्ट डालेंगे, कहाँ से लेकर के आएंगे। तो ये इसके लिए भी अभी हम लोगों ने प्रयास किया कि हमने पहाड़ों पर एक कॉन्सेप्ट शुरू किया, मुझे लगा ऐसे लगा, देखो छोटी छोटी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग क्यों नहीं कर सकते, हमसे बढ़िया कर सकते हो भाई। हमारे पास तो न तो हमारा कोई ऐसा एजुकेशन का बैकग्राउंड था, ना हमारे कोई माई बाप बहुत बड़े धन्ना सेठ थे, ना किसी कॉरपोरेट घराने से हम लोगों को किसी ने कोई दे करके कहा बेटा ले कर ले इतनी पूंजी दे दी कर ले। जब हम हाथ पैर मार के कर सकते हैं तो आप इससे बेहतरीन कर सकते हैं। हमने सोचा कि अब गांव में पहाड़ों पर से पलायन हो रहा है उत्तराखंड से, और इन्होंने जो पशुपालन भी बंद कर दिया और इकोनॉमी भी डगमगा रही, हम क्या कर सकते हैं। तो हमने एक सिंपल सा शुरू करा, मैंने एक काम, बस छोटी सी बात है, मैंने कहा अच्छा इसमें भी एक मजेदार बात थी वो भी मैं बता देता हूँ, याद आ गई एकदम। मैंने उनको कहा कि मैंने कहा ऐसा करो, घरों में एक दो गायें हैं नहीं तो पालो, वो गोमूत्र को लेकर के जहाँ जहाँ पर स्कूल है, क्योंकि बच्चा घर से जाएगा तो स्कूल जाएगा, तो स्कूलों में हमने ड्रम रखवा दिए, हमने कहा इस ड्रम में गोमूत्र डालो, जैसे राशन कार्ड बनाते हैं ऐसे हमने कार्ड बना दिया, वो तो डेली उसने किस बच्चे ने कितना गोमूत्र लेकर के आया उसमें लिखा, उसमें डाल दिया। हमने स्कूल की जो फीस थी वो सारी हमने देना शुरू कर दिया, उसके अतिरिक्त घर के लिए, यानी कि एक बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ता हुआ उसका स्वाभिमान इतना बढ़ गया कि अब घर वालों को फीस देने के लिए जरूरत नहीं है, और घर वालों को अलग से पैसा भी ले जाके दे रहा, उसके लिए सुबह एक आधा घंटा उसको गाय के पीछे नीचे रहना है। तो ये काम शुरू करा, उससे बहुत फर्क पड़ा, अभी भी हम कुछ क्षेत्र में कर रहे हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये चीज जो मानसिकता भी हमको काम करने की भी जरूरत है, पर हम काम करते रहे तो लोगों की मानसिकता भी, भाई ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके लिए सब अच्छा अच्छा बोलें, पर हाँ ये जरूरी है कि जो तुम कर रहे हो वो अच्छा होना जरूरी है, फिर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम लोगों ने फिर भी लगे रहे इसी तरह से, जैसे मैंने बता दिया आपको कि हम लोग अभी जैसे टिश्यू कल्चर की बात आती है, क्योंकि ग्रीन बायोडाइवर्सिटी के लिए चाहिए टिश्यू कल्चर की, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं उस दिन डॉक्टर चौहान जी को बता रहा था
कि हमारे हिंदुस्तान में तो अभी मैं आज ही अभी रास्ते में आते आते थोड़ा देख रहा था नेट पे कि क्या क्या स्थिति है, तो थोड़े बहुत जो है हम लोग कुछ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं थोड़े बहुत हम भेज रहे हैं, कर रही हिंदुस्तान, हम बाहर भी बना बना करके भेज रहे हैं। परंतु यदि आप बात करें जितने भी हमारे हर्ब्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, बाकी चीज़ें, उनका कोई भी जो प्रोटोकॉल वगैरह बनता है वो बहुत कम है, बहुत ही कम है, इतना कम है कि जितना नेपाल वालों ने कर रखा उससे भी कम हिंदुस्तान का है। तो हमको बहुत काम करने की होने की संभावना है। वो इतना बड़ा फील्ड है, अभी जैसा आपको पता है कि अभी बम्बू क्लॉथ्स के लिए बहुत अभी एक फैशन सा भी शुरू हो गया है और लोग कह रहे बैक्टीरिया फ्री और ये सॉफ्टनेस ये वो, पर आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर वो बांस की प्रजाति नहीं है आज, जबकि बांस ये सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया। एक दिन मैं गया गडकरी जी के पास, बड़े खुश होकर के कहा अच्छा जी मैंने एक बड़ा काम कर दिया। मैंने कहा भाई साहब क्या कर दिया? बोला हमने बांस को, पहले वो वृक्षों में आता था उसको कैटेगरी वो चेंज कर दी, उन्होंने ग्रास में डाल दिया। तो अब बांस लगा करके काटना और उगाने के लिए सरकार से उसकी ज़रूरत नहीं है। हालांकि सरकार से परमिशन लेकर के बांस काटने वाले तो बहुत थोड़े लोग होंगे, परंतु कानूनन था वो इलीगल था, तो अब कम से कम वो लीगल हो गया। तो वो होने से अब आपको इतनी संभावनाएं बच गई हिंदुस्तान के। यदि साउथ से लेकर के नॉर्थ तक, ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक देखेंगे आप, हम 60-70% एरिया में बैंबू बांस उगा सकते हैं। वो क्लोथ्स के लिए, बांस के लिए, जितने बैठे हैं बायोटेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हो, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी की, चौहान साहब आपने यूनिवर्सिटी में शुरू कर दो टिश्यू कल्चर के लिए, वो बैंबू की वो प्रजाति ले आई है, वो 2-3 प्रजाति हैं उसकी। हालांकि बैंबू मिशन भी थोड़ा बहुत काम कर रहा है, मैं टच में हूँ, पर यदि ये करें तो अभी इतनी संभावनाएं हैं पूरे हिंदुस्तान को। वो बीटी कॉटन ये वो केमिकल, किसान बेचारे आत्महत्या करके मर रहे हैं, वो सारी कहानी खत्म हो जाएगी और हिंदुस्तान पूरी देश को नहीं पूरी दुनिया को कपड़े सप्लाई कर सकता है कि बैंबू के द्वारा बने हुए कपड़ों से। उसके लिए अभी हमको टिश्यू कल्चर की जरूरत है। अभी हम लोग काम करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा आयुर्वेद में हम लोग काम करते हैं, च्यवनप्राश कभी कभी सुना भी होगा, कुछ लोग खाते भी होंगे, नहीं खाते हो तो खा करके देखो, पतंजलि का तो बढ़िया है ये वो। तो उसमें जो मैं बताना चाहता हूँ, उसमें 8 औषधियाँ पड़ती हैं। च्यवनप्राश की कहानी पता है क्या है? कई लोग सोचते हैं कि च्यवनप्राश च्यवन नाम का कोई जो है ना कोई आदमी था उसने बना दिया। कोई ये कहते हैं, कोई कहते हैं कि वो च्यवन जड़ी बूटियाँ होती हैं तो बोले जी उससे हो गया, तो वो इससे नहीं है। उसके अंदर ना एक कहानी ये है कि जो च्यवन ऋषि थे वो बुजुर्ग हो गए थे, अश्विनी कुमारों ने बढ़िया सा चीज़ बनाई, वो बूढ़े को जवान बनाने के लिए खिलाकर वो जवान हो गए, कहानी तो ये है। पर विचित्रता ये है कि आज च्यवनप्राश खा करके सर्दी जुकाम खांसी भी ठीक नहीं होती है, यदि जवान हो जाए तो सारे सबके चेहरे पर वो दिखाई दे, तो कोई बुढ़ा जवान तो हुआ नहीं, जवान भी जवान दिखता नहीं। तो बात इतनी सी बात में कहना चाह रहा हूँ कि उसमें 8 औषधियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसको अष्टवर्ग कहा जाता है। उसके ऊपर सबसे पहले मैंने ही काम किया कि उन अष्टवर्ग जो प्लांट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया, और मेरी पूरी पुस्तक है अष्टवर्ग प्लांट्स करके, नेट पे भी सर्च करोगे मेरी किताब आपको मिलेगी। तो उस किताब के अंदर मैंने यही दिया कि वो 8 द्रव्य, अभी तक ये माना जाता था या तो वो है ही नहीं, या तो है ही नहीं, या तो वो गलत है। हमने ये सिद्ध किया वो गलत भी नहीं है और अवेलेबल भी है, पर इतनी कम है। यदि आप मुझसे पूछोगे टिश्यू कल्चर के हिसाब से, मैं आपको बता सकता हूं कि कौन सी पहाड़ी में, मैं आपको जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल से लेकर के उत्तराखंड से लेकर के और सिक्किम दार्जिलिंग तक, क्योंकि ये हिमालयी बेल्ट में होते हैं, कहां पर कौन सा पौधा, कुछ एरिया का छूटा होगा तो मैं नहीं कर सकता, नहीं तो मुझे हर पहाड़ी का पता है कि वो कौन सा प्लांट्स किस एरिया में नेचुरली अभी थोड़ा बहुत है। तो हमको तुरंत शुरू कर देना चाहिए और उसको करके आज सबसे ज्यादा जिनके पास पैसा है वो चाहते हैं जो हमारे जो एंटी एजिंग, अरे बुढ़ा किसी को नहीं होना है, बुढ़ा ना होने की जड़ी बूटी तो हिमालय में पड़ी है, तो आप उसको ला करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं। च्यवनप्राश के जो द्रव्य हैं उनके अंदर वो क्षमता, वो 8 द्रव्य हैं जो कि हमारे शास्त्रों में मेधा महामेधा काकुली क्षीर काकुली ऋषभक जीवक और ये 8 द्रव्य हैं रिद्धि वृद्धि, तो इन द्रव्यों के लिए काम किया जा सकता है। इसी तरह से क्लीन टेक्नोलॉजी, क्योंकि एक दूसरा चीज आता है ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए क्लीन टेक्नोलॉजी, जितने भी इंडस्ट्रियां हैं फैक्ट्रियां हैं, गवर्नमेंट विविध तरह की कानून नियम बनाती रहती है, लोग बदमाशी करते रहते हैं और कुछ नहीं तो बोर कर करके धरती में गाड़ देते हैं सारे केमिकल को। इसके लिए भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, और एक बार यहां के तो सारे स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स मैं चाहूंगा अभी पतंजलि में आकर के देखिए, हिंदुस्तान का एक बेहतरीन वर्ल्ड क्लास जो हम लोगों ने पूरा सेटअप बनाया है, जिसको JLD कहते हैं ना, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वाला, वो सिस्टम हमारे पास है जो लगभग 50 लाख लीटर प्रतिदिन का
हम लोग वो पूरा प्रोसेस करते हैं और उसमें से हम 90% उसको रियूज करते हैं, 10% जो उसमें से कचरा निकलता है। हमारे पास इतना बड़ा डाइजेस्टर है, करीबन 200 मेट्रिक टन का डाइजेस्टर मेरे यहाँ लगा हुआ है, वो उसमें जाता है। बाकी भी कचरे को लेकर के हम उसमें से प्रोसेस कर करके वो सारे कचरे का बायो कंपोस्ट, उसमें कल्चर और मिनरल डाल करके वो कंपोस्ट अलग जाता है मेरा, प्रोम और कंपोस्ट बन करके जीरो वेस्टेज। और थोड़ा बहुत जो बचा वैसे हम जो बॉयलर में भी जो लकड़े डाल करके उगाते हैं उसको भी हम क्या करते हैं, वो राख को छान करके वो जो डिशवाश जो है हमारा, वो डिशवाश बार बना हुआ, सबको पता है पतंजलि का जो बेहतरीन है, उसके अंदर वो सारा राख उसमें चला जाता है। तो मेरे पास एक भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, फैक्ट्री में जाने का तो रास्ता आने का या तो बढ़िया पैक होकर के सामान आएगा या तो फिर वहीं हम उसको यूज़ कर रहे हैं। ये इस दुनिया में इस तरह की पहली यूनिट है कि जहाँ पर हम लोग जीरो वेस्टेज टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, ये बात मुझे कहते खुशी है। ये किसी MNCs ने नहीं किया, किसी दूसरे इस तरह के व्यक्ति ने नहीं किया, जो दुनिया में वो जो आपने कहते ना हमने बहुत सारे टेक्नोलॉजी की नॉलेज ले ली, ये कर ली वो कर ली, हमारी नीयत ठीक है इसलिए हम सीखते हैं, सीख करके हम उसको करते हैं। क्योंकि ये लगाने के लिए जो GLD लगाने के लिए कम से कम मेरे को 100 करोड़ का तो उसमें खर्चा आया है, 100 करोड़ सिर्फ खर्चा आया है। आगे आने वाले अभी अगले 2 साल में भी नियम आने वाले हैं सरकार के नियम, हम 2 साल पहले से तैयार हैं। तो मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि प्रकृति को बचाने के लिए नहीं, जीवन को बचाने के लिए हमको सब प्रकृति से जुड़ने की आवश्यकता है। और इसके अतिरिक्त एक बात और छूट गई, GM फूड के विषय में थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ। GM फूड जहाँ तक मेरी सोच है, जो मैंने पाया है अभी तक, कि GM फूड से हम क्या करते हैं कि प्लांट्स के अंदर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जीवाणु कीटाणु ना लगे, इसके लिए हम ऐसा पौधा तैयार करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाई कर करके। पौधा का तो जीवाणु और कीटाणु से बचा दिया, तुम खाओगे तुम बचोगे कि नहीं बचोगे ये आज तक रिसर्च नहीं हुआ, समझ में आई। यानी GM फूड आप खाएंगे तो आपके हार्मोनल, आपके दूसरी तरह के जो नेचुरल जो हमारे जो शरीर के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो डगमगा जाएगा, वो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, वो सुधरेगा नहीं, इसीलिए GM फूड खतरनाक है। पौधों के बचाने के लिए तो हम इस तरह के हमारे बहुत सारे टेक्निक हैं। पौधों के कीड़ों को बचाना चाहते हैं तो आप उसके पैरेलल में, जैसे आजकल जीरो बजट टेक्नोलॉजी में चलता है कि इस क्रॉप के साथ में ये लगा दो, इसके साथ में ये लगा दो, कीड़े उधर शिफ्ट हो जाते हैं तो बच जाता है। इसके अतिरिक्त इस तरह के आप लोग साइंटिस्ट ने ऐसे इजाद करिए कि वो कीड़े की खुशबू स्मेल वाली जो चीज आती है, पौधा जो है, कीड़ा तो आता नहीं है, पौधा भयानक ग्रोथ करता है। क्योंकि स्वाभाविक है कि आप जानते हैं कि नेचर में प्रकृति में जब उस पौधे के अंदर कोई कीड़ा बैठता है ना, वो पौधा उस कीड़े से बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता है बढ़ने के लिए। तो कीड़ा खा जाता है वो बेचारा मर जाता, अलग बात है। आप इस तरह की पेस्टिसाइड, इस तरह की कुछ इजाद करिए कि पौधे में डले, डलने के बाद में उसको पौधे को तो यह लगे कि कीड़ा आ गया, कीड़े को यह लगे कि तेरा दुश्मन पहले से बैठा है, तो अपने आप बढ़ जाएगा ना पौधा। बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत संभावनाएं। इस तरह की 2-4 चीज भी आप इजाद कर दो तो आप मार्केट साइज तो बहुत बड़ा है हिंदुस्तान में, तो तभी हम उन केमिकलों को रोक सकते हैं। 1.5 लाख करोड़ का मार्केट तो सीधा ही है। तो ये सारी इस तरह की हमको काम करने की आवश्यकता है, तो इससे हम बेहतरीन ढंग से वो कर सकते हैं। तो GM फूड के इसी तरह से जितने भी हाइब्रिड है, हाइब्रिड के लिए भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है उसके अंदर यील्ड के हिसाब से, पेट भरने के हिसाब से जरूरत है, परंतु मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने सबसे पहले, हम लोग जब गुरुकुल में पढ़ ही रहे थे, हम बिल्कुल, मैं मेरे से तो 21 साल से छोटे तो थोड़े ही होंगे यहाँ पर, जब 21 साल का था तब मैंने उसको कई चीज़ों को सोच करके, फिर हम लोगों के पास सबसे पहले प्रोजेक्ट हम लोगों ने छोटा सा लिया था, एक छोटा सा था वो NBPGR का प्रोजेक्ट लिया था हम लोगों ने, नेशनल बायोडाइवर्सिटी वाला जो हमारा ब्यूरो ऑफ जेनेटिक प्लांट रिसोर्सेस वाला, तो हम लोगों ने वो लिया था। तो उसके अंदर तब मुझे पता चला कि दुनिया के अंदर यदि हम सीड बैंक की बात करें, जीन बैंक की बात करें, तो इंडिया 3rd नंबर पर है, सबसे बड़ा है हम लोग, कि पहला अमेरिका, 2nd चाइना है, 3rd हम लोग हैं। तो हमारे पास तो इतनी वेराइटीज़ हैं फूड की, बाकी चीज़ों की दुनिया में नहीं है। तो उसके जो मिनरल्स हैं, उसकी जो एक्टिव कंपाउंड्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उसकी वैल्यूज के हिसाब से हम उन फूड को यदि आइडेंटिफाई करते हैं तो लोगों को पेट भी भरेगा, स्वस्थ भी बनेगा। क्योंकि अब मैं थोड़ी सी बात आयुर्वेद की सुना के अपनी बात खत्म करता हूँ, क्योंकि आयुर्वेद में अन्न को पेट भरने का साधन नहीं माना गया है, ये ध्यान रखना। अन्न के लिए कहा अन्नम वही औषधि, वो औषधि ही है। अन्नम वही प्राण, वो प्राण है।
तो हम तो पेट भरने के लिए खाते हैं, यानी कि आदमी आजकल, पहले कहते थे ना, आज भी देखिए दुनिया में ना खा करके बीमार पड़ने वालों की संख्या और खा करके बीमार होने वालों की संख्या, न खाने से बहुत कम है हिंदुस्तान में, लगभग वो भूखमरी नहीं है अब आज के दिन में जो भूख से न मिलने से मरा हो, परंतु खा के तो हम सभी मर रहे हैं। तो हम ये ध्यान रखें। और इतना ही नहीं, जो हम लोग कह रहे हैं ना जीएम फूड की बात कर रहे हैं, हाइब्रिड की बात कर रहे हैं, उस विषय में मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, इसको समझिए कि हमको हितभुक ऋतभुक मितभुक, ये हमारा आयुर्वेद कहता है कि हमको हितभुक सबके लिए सभी चीजें लाभकारी नहीं हो सकती है। ये तुमको सोचना है कि दूसरा खा रहा रसगुल्ला तुम भी गपागप मत खाओ, दूसरा खा रहा गोलगप्पा, अच्छा कई क्या कहते हैं जी वो सब कुछ खाता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता, मैं कुछ नहीं खाता फिर भी मेरा बिगड़ा रहता है। भाई वो पहले से अपना मशीनरी फिट ठीक ठाक लेकर के आया, तुम्हारा गड़बड़ है तो कंपटीशन मत करो। तो हितभुक ऋतभुक का कई लोग हमारे अर्थ करते हैं, ऋतु भूख ऋतु का, ऋतभुक का मतलब वो नहीं है ऋतु के अनुसार, ये मैं बता देता हूं। ऋतभुक का अर्थ है, ऋत कहते हैं सत्य को, ये बहुत बड़ी बात है। बोले जो अन्न आया हुआ है ना जहां से, वो कमाई का साधन भी गलत नहीं होना चाहिए। हम तो पता नहीं कहाँ कहाँ कोई फ्री में देते, फ्री में लूट खसोट करके उससे जैसे भी मिले, ये ना कहना प्रकार ना। तो अन्न के लिए, इसलिए अन्न की शुचिता को हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, इसलिए कहा जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, तो मन ही नहीं सब कुछ बिगड़ जाता है। तो वो ऋतभुक है, हितभुक ऋतभुक मितभुक, वो हमारे लिए लाभकारी होना चाहिए। तो इस तरह से ये अन्न की परिभाषा की गई है, हम इसको सोचें। और मजेदार बात, एक छोटी सी बात सुन लो बच्चों सबके लिए, पहले कहते थे कि आयुर्वेद वाले तो बड़े परहेज बताते हैं। अच्छा ये बताओ एलोपैथिक में कौन सा डॉक्टर जो कह के तुमको डायबिटीज है तो मीठा खा लो, अच्छा ये बताए कि कौन सा डॉक्टर की जो बोले बीपी आई है तो बोले नमक खा ले। आयुर्वेद में इसको बहुत गहराई से पहले पुराने जमाने से ही उसको समझा गया था, यही बात है। और आयुर्वेद में ऋषियों ने लिखा पथ्य सती गदार्थस्य किम औषधं निषेवणी, अपथ्य सती गदार्थस्य किम औषध निषेवणी। उसका अर्थ यह है कि तुमने परहेज कर लिया तो दवाई की जरूरत क्या है, और तुमने परहेज नहीं किया तो फिर भी दवाई की जरूरत क्या है। ये मजेदार बात है कि परहेज कर लिया तो बिना दवाई के ठीक हो जाओगे, परहेज नहीं किया तो सारी दुनिया के दवाई खा लो तो भी ठीक नहीं होगे। तो इसीलिए अच्छा जीवन, सुंदर जीवन, सुंदर आहार, सुंदर हमारा वातावरण, सुंदर देश, सुसंस्कृत देश, विकासशील देश, हम माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी भी ये स्वप्न है, उस देश को भव्य और दिव्य महान देखना चाहते हैं, क्योंकि वो भी बाबा जी आदमी हमारे जैसे ही हैं। तो इसीलिए बाबा लोगों की जो सोच होती है ना, जो सच्चे बाबा होते हैं उनकी सही होती है, ध्यान रख लेना हमेशा, क्योंकि यहाँ पालने के लिए कुछ नहीं ना, किसको पालेंगे हम, ना बीवी ना बच्चा ना आगे ना पीछा। तो इसीलिए इसका ध्यान रखिए। तो आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, भगवान से बहुत प्रार्थना है, ये बहुत बड़ी संभावना है हिंदुस्तान के लिए, संभावना ही नहीं है, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो उस आवश्यकता को, उस संभावना को यदि हम सृजन का साधन बना लें तो देश की समृद्धि होने से कोई भी उसको रोक नहीं सकता है। इसीलिए आइए हम जुड़ें इस ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी से, और ये पहला आप लोगों का ये प्रोग्राम है, ये होना चाहिए पूरे देश में, दुनिया में होनी चाहिए, दुनिया तक संदेश जाना चाहिए। तो हम लोग काम करें, हिंदुस्तान में बहुत संभावनाएं हैं, और आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।